नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी बहनीवाल। कंस्ट्रक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देने वाला हूं, और वह है मकान बनाते समय ठेकेदार को किन रेटों पर मकान का कार्य दें। तो दोस्तों, अब जैसे कि 2024 की रेट में आपको बता रहा हूँ, 2023 निकलने वाला है, 2 महीने बचे हैं बस, तो इसलिए 2024 की बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसे समय बढ़ता है तो महंगाई भी बढ़ती है, लेबर का रेट भी बढ़ता है, ठेकेदार का रेट भी बढ़ता है। तो इन चीज़ों से आपको जानकारी दे रहा हूँ, काम देते वक्त किन शर्तों पर वर्क एग्रीमेंट करें ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप बच सकें। दोस्तों, कई बार जानकारी के अभाव में या तो हम किसी जानकार ठेकेदार से काम करवाते हैं तो उसमें ये रह जाता है, यार अपने मिलने वाला है तो हमसे कोई गलत थोड़ी लेगा। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कई बार ठेकेदार आपसे ज़्यादा पेमेंट ले लेता है, क्योंकि आपको तो ये जानकारी होती नहीं है कि भाई मेरा कितने का काम हो रहा है, तो किस हिसाब से मुझे ठेकेदार को पेमेंट देना है। वो जो पेमेंट मांगता है वो आप दे देते हैं, तो उसके तो दिमाग में ये रहता है कि मेरा काम कितने का हो रहा है, मुझे कितना पेमेंट लेता है, लेकिन आप ये ध्यान नहीं देते हो। तो पेमेंट ज़्यादा ले लेता है और बीच में काम भी छोड़ देता है। अगर किसी बात पर थोड़ी बहुत टूतू में हो जाती है तो काम छोड़ के चला जाएगा, फिर आपको दूसरा ठेकेदार जल्दी से नहीं मिल पाता है, और मिलता है तो महंगी रेट पर मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि दूसरा ठेकेदार, पहला ठेकेदार काम छोड़ के चला गया है तो उसको काम करवाना ही पड़ेगा, इसलिए वो अनाप शनाप रेट आपसे मांगेगा, जिससे आपको नुकसान होता है। और कई बार एग्रीमेंट के अभाव में आपके और ठेकेदार के बीच में कई बातों को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है कि ये काम मेरे ठेके में नहीं है और इसका काम मैं अलग से पैसे लूँगा, और या तो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी या फिर काम को छोड़कर चला जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर आपको परेशानियों का सामना होता है, क्योंकि दोस्तों वक्त किसी के पास नहीं होता है, आप तो काम दे देते हैं, अपना काम देखते हैं, फिर मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि ना तो आदमी अपने काम पर ही ध्यान दे पाता है, ना ही वो मकान पर ध्यान दे पाता है। तो इन सभी परेशानियों से बचने के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आपको सारी जानकारी दूँगा, जैसे ठेकेदार को किस रेट पर काम दें, ठेकेदार क्या क्या करके देगा, ठेकेदार को पेमेंट किस तरह करें, एक एग्रीमेंट होता है पेमेंट का, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस हिसाब से आपको पेमेंट का एग्रीमेंट करना है। साथ ही आपको ये बताऊंगा आपको क्या क्या देना है, ठेकेदार को क्या क्या सामान लाना है, किस तरह नाप करके ठेकेदार को पेमेंट करना है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप बिल्कुल भी ना करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी से अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, बगैर कोई देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ठेकेदार को मकान का एक डिज़ाइन देंगे, जैसा कि आप मकान बनाना चाहते हैं, कितना कवर्ड एरिया आप करना चाहते हैं, क्या क्या उसमें आप लेना चाहते हैं, कौन सी आप डिज़ाइन लेना चाहते हैं, वो सब का डिज़ाइन ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही ठेकेदार आपसे रेट तय करेगा। तो सबसे पहले किसी अच्छे आर्किटेक्ट या इंजीनियर से अच्छा सा ड्राइंग तैयार करा लें। ड्राइंग से अलग जो भी कार्य आप ठेकेदार से कराओगे उसका अलग से चार्ज आपको देना होगा, इसलिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो एक ड्राइंग लेआउट अपने मकान का तैयार करा लें, उसको दिखा के ठेकेदार को दे के भाई ये काम मुझे कराना है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आपका एग्रीमेंट होगा। तो दोस्तों, आज जो लेबर ठेकेदार की रेट चल रही है 200 से 225 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से आज रेट चल रही है, कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे यहाँ लेबर का क्या रेट चल रहा है ठेकेदार का। अब जो ठेकेदार को देने हैं वो मैं चीज़ आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, एक भी पॉइंट आपसे निकल जाएगा तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले जो काम होगा, कॉलम के गड्ढे खोदते हैं, जो अपने कॉलम खड़े होते हैं उनके गड्ढे खोदते हैं, कॉलम के गड्ढे लेबर ठेकेदार को खोदने होंगे। दूसरा नंबर का जो टाई बीम अपना गिरता है, जैसे ज़मीन लेवल पे अपना कॉलम तैयार हो जाते हैं, फिर एक टाई बीम डलता है, और प्लेंथ बीम भी ठेकेदार को ही डालने होंगे, ये जो दोस्तों ध्यान रखें। चिनाई में कार्य करने के दौरान जो भी औजार, जैसे परात है, फावड़ा है, करनी है, वसूली है, बांस, बल्ली, रस्सी, मिक्सर मशीन, यानी कि जो भी औजार इस्तेमाल आपके कार्य के दौरान होगा वो सब कुछ ठेकेदार का होगा, आपको कुछ भी नहीं देना है। चौथा जो पॉइंट आपका है, कॉलम की सरिया की बंधाई, कॉलम सेटरिंग, जैसे फर्मा या साइड
बॉटम ठेकेदार के ही होंगे, कॉलम को भरना है, कॉलम की सरिया बांधनी है, वाइंडिंग करनी है, कॉलम की जो सेटरिंग होती है, फर्मा वगैरह होते हैं, वो सब ठेकेदार को करना है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना है। कॉलम और बीम की कास्टिंग भी ठेकेदार स्वयं करेगा, जो गिट्टी जो कास्टिंग होती है वो भी कॉलम में हो या बीम हो, सब कुछ ठेकेदार को करना है। अगला जो पॉइंट है कि छत की जो सेटरिंग होती है, अपना सारा चनाई का काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद छत की सेटरिंग होती है, छत ढलाई का काम होता है, तो छत की सेटरिंग, सरिया बंधाई और छत की कास्टिंग ठेकेदार को भी करानी को ही करानी पड़ेगी। इन सब का खर्चा स्वयं ठेकेदार वहन करेगा, जैसे लेंटर डालने वाली लेबर आती है, सरिया बांधने वाली लेबर आती है, सेटरिंग वाला जो ठेकेदार होता है वो सब का पेमेंट ठेकेदार को ही करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, छत के नीचे का प्लास्टर, अगर छत के सेटरिंग अच्छी हुई है, लेवल में हुई है, तो आपको अच्छा लगे तो क्या नाम है, छत की जो प्लास्टर है वो आप कराएं, अगर सेटरिंग गंदी निकली है तो वो सेटरिंग ठेकेदार, क्या नाम है, चनाई का जो ठेकेदार होगा वो आपको छत का प्लास्टर करके देगा। अगर सेटरिंग अच्छी निकली है कि उसमें प्लास्टर की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप क्यों अपना पैसा और माल मटेरियल बर्बाद करते हैं, उसका आप प्लास्टर ना कराएं, और उसका आप 10 रुपये या 12 रुपये स्क्वायर फिट के हिसाब से छत का प्लास्टर का पैसा काट सकते हैं। इसके अलावा, छत के प्लास्टर के अलावा, फर्श की जो कंक्रीट कास्टिंग होती है, जैसे कच्चा फर्श हम बोलते हैं, वो भी ठेकेदार को ही डाल के देना होगा, फर्श जो नीचे का होता है, दीवार का बाहर का भीतर का प्लास्टर ठेकेदार को ही करना होगा, टाई बीम और प्लिंथ बीम ठेकेदार को ही डालने होंगे, तो ये जो काम है वो ठेकेदार करेगा। अब आपको क्या करना है, जो मकान में काम होंगे ये ठेकेदार के मैंने बता दिए, आपको जो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। प्लम्बर का जितना भी काम है वो आपको कराना होगा, जैसे नल फिटिंग है, आपको किचन में फिटिंग करानी है, बाथरूम में फिटिंग करानी है, वो सारा काम आपको कराना पड़ेगा, ये ठेकेदार के तय में नहीं होता है। मकान की डीपीसी बीम डलने पर भर्त होता है, मिट्टी भराई का काम होता है, वो सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठेकेदार इसका मिट्टी भराई नहीं करेगा, ना ही उसमें वो लेबर देगा आपको, मिट्टी को इकसार कराना, उसकी पूरा प्रॉपर भर्त कराना, ये आपको ही करना होगा। तीसरा जो होता है, सेप्टिक टैंक आपको तैयार कराना होगा, सेप्टिक टैंक का जो गड्ढा खुदता है, उसमें जो मसाले की चूड़ियाँ डलती हैं, जो प्रॉपर टैंक बनता है, वो फर्स्ट लेवल तक आपको ही तैयार कराना होगा। इसके अलावा माल मटेरियल, जैसे सीमेंट है, सरिया है, गिट्टी, बजरी, ईंट आदि, ये सबको आपको ही उपलब्ध कराने होंगे, ठेकेदार केवल लेबर का कॉन्ट्रैक्ट लेगा, वो माल मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेगा। माल मटेरियल का अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट देना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो किस हिसाब से देना है, किस हिसाब से उसका एग्रीमेंट करना है। ठेकेदार जो काम लेता है तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से लेता है, एक विद मटेरियल लेता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो केवल लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बता रहा हूँ, क्या नाम है, आपको विद मटेरियल अगर आपको किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसका वीडियो भी मैं जल्दी ही अलग से डालूँगा। इसके अलावा लाइट का जो भी काम होगा वो आपका कराना होगा, छत में से लेंटर डलने से पहले जो पाइप डलती हैं, लाइट फिटिंग होती है, कंसील्ड और फैन बॉक्स लगते हैं, और जो भी फिटिंग का लाइट का काम है वो आपको ही कराना होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये आपका काम आपको कराना है। अब आपको पेमेंट का एग्रीमेंट किस तरह से करना है, मेन जो दिक्कत आती है वो पेमेंट में आती है, आपको ये पता नहीं होता है कि कितना का मेरा काम बनेगा और कितना मुझे किस हिसाब से ठेकेदार को पेमेंट करना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कवर्ड एरिया अपना देख लें मकान का, कि मेरा कवर्ड एरिया कितना हो रहा है, जैसे 1000 हो रहा है या 2000 हो रहा है या 1500 हो रहा है, तो जो भी आप रेट करें, जैसे 200 रुपये की आपने रेट कर दी और 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया हो रहा है, तो 200000 रुपये का काम लमसम ठेकेदार का हो रहा है। तो उस हिसाब से मकान के डीपीसी पर आने पर, जैसे अपना कॉलम तैयार हो गए और मकान के भर्त लेवल पर जो आप मिट्टी भराई का काम करते हैं, वहाँ तक अगर ठेकेदार का काम कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर आपको ठेकेदार को 20% पेमेंट आपको देना होगा। अब दोस्तों, जैसे अपना ब्रिक वर्क पूरा हो गया, यानी कि ईंटों की चनाई अपनी पूरी हो गई, छत लेवल पे हमारी चनाई कंप्लीट हो गई, उस जैसे सेटरिंग लगने की अब तैयारी हो रही है, तो चनाई का कार्य हमारा पूरा हो जाता है। चनाई का कार्य पूरा होने पर आपको 40% पेमेंट ठेकेदार को देना होगा। उसके बाद दोस्तों, छत की कास्टिंग पूरी हो जाती है, जैसे सेटरिंग अपनी पूरी हो गई, सरिया का काम अपना पूरा हो गया, छत की कास्टिंग होनी है, तो कास्टिंग पूरी जब अपनी हो जाए, यानी कि लेंटर पूरा डल जाए आपका, तब आपको 70% पेमेंट कंस्ट्रक्शन ठेकेदार को देना पड़ेगा। उसके बाद काम पूरा होने पर, यानी कि बाहर भीतर का प्लास्टर होने पर, जो भी अपना छोटा मोटा काम रह जाता है, वो पूरा काम कंप्लीट होने पर आपको फाइनल पेमेंट ठेकेदार को करना होगा। तो दोस्तों, ये हो गया अपना ठेकेदार का एग्रीमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ, ठेकेदार को जब आप पेमेंट करेंगे तो
नाप कैसे करनी है, किस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। कई बार ठेकेदार आपकी जानकारी के अभाव में नाप ज़्यादा दिखा देता है तो पेमेंट ज़्यादा ले जाता है, उससे नुकसान आपको ही होता है। तो छत का जो भी कवर्ड एरिया है, जैसे अपनी 30x40 की छत है तो 30x40 से कर देंगे, 1200 square feet हो रहा है, उसमें आपने जो भी रेट तय करी है उससे मल्टीप्लाई करके ठेकेदार को आपको पेमेंट करना है। यानी छत का जो कवर्ड एरिया है उसकी लंबाई गुणा चौड़ाई करके जो भी आपने रेट तय किया उसका गुणा कर दें, ये आपका ठेकेदार का पेमेंट बनता है। अब दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता दूँ, छत में जो भी स्लैब बीम लगेंगे, ये दोस्तों आप नोट कर लें क्योंकि ठेकेदार यहीं पर नाप में गड़बड़ी करता है। जो भी स्लैब बीम लगेंगे या दीवार बीम लग रहे हैं या कहीं भी लटक बीम लग रहे हैं, उनकी कोई भी नाप आपको ठेकेदार को नहीं देनी है, ये आप अंडरलाइन कर लें, आप नोट कर लें। तो दोस्तों ठेकेदार के साथ जो भी अपना एग्रीमेंट होता है वो उसकी पूरी डिटेल में मैंने आपको जानकारी दी है, और कहीं भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे हमें पॉइंट आउट नहीं किया गया है, इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं दी गई है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएं ताकि मैं उसमें आपका कंफ्यूजन दूर कर सकूं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।